खजरी थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर गौवंश की तस्करी करने वाले 7 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 7 अभियुक्तों के ऊपर खजनी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर अंगद यादव पुत्र राम सावर निवासी उनवल कतनी चकन कधा थाना खजनी जनपद गोरखपुर, दूसरा जनार्दन यादव पुत्र सत्र नारायण यादव निवासी उनवल कतनी चकन कधा थाना खजनी जनपद गोरखपुर, तीसरा मोहित यादव पुत्र राम समुज यादव निवासी उनवल कथनी चकन कथा थाना खजनी जनपद गोरखपुर, चौथा दयाशंकर यादव पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी उनवल कथनी चकन कथा थाना खजनी जनपद गोरखपुर, पांचवा परमहंस यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी बसडीला पांडे थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर, छठवां उमेश निषाद उर्फ कोयल पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र निषाद निवासी वार्ड नंबर 7 कथनी उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर, सातवां रमाशंकर जायसवाल पुत्र भक्कन जायसवाल निवासी गोपालपुर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। साउथ ने बताया कि इन अभियुक्तों का एक विधि विरुद्ध गैंग है, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उक्त गैंग का लीडर अंगद यादव उपरोक्त समय एवं अपने गिरोह के 6 सदस्यों के साथ आर्थिक भौतिक दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर गौवंश की तस्करी का अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्य का समानता जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनके स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं गौवंश की तस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, थाना खजनी पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। एसएसपी सर के द्वारा जो अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत इन पर जो गैंग चार्ट था जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत आज ये गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस गैंग के सभी अभियुक्त पूर्व में गोवंश की तस्करी में संलिप्त रहे हैं और इन पर पूर्व में काफ़ी अभियोग पंजीकृत हैं। इस गैंग के द्वारा जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्यवाही इसमें की जाएगी और विवेचना के उपरांत जल्दी इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा।